राम मंदिर निर्माण की तारीख को लेकर के आज अहम बैठक हुई है। राम जन्मभूमि परिसर में हुई इस बैठक में राम मंदिर निर्माण के प्रमुख नृपेंद्र मिश्रा, श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास, ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्ट के अन्य सदस्य भी शामिल रहे। तो कल जबकि आपको हमने बताया था कि अब नृपेंद्र मिश्रा पहुंचे थे लखनऊ, जहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करके विस्तार से विचार विमर्श किया था, और आज अब से थोड़ी ही देर पहले वह अयोध्या पहुंचे। आइए सुन लेते हैं कि इस बैठक के बाद में क्या कुछ बातचीत हुई और आगे का कार्यक्रम क्या होना है। सुनते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। मौलिक काम शुरू करने के पहले एक एक कदम क्या क्या काम और करने पड़ेंगे, तो ये स्टेप तय किए जा रहे हैं और कौन सा चरण पूरा करने में कितना समय लगेगा इसका एक मौखिक आकलन किया जा रहा है। बाद में तकनीकी लोग उसकी सही कैलकुलेशन करेंगे और फिर हम तय करेंगे कि मौलिक काम प्रारंभ करने के लिए पूजन कब प्रारंभ करें। अभी हम स्टेप्स तय कर रहे हैं, होमवर्क हो रहा है इसको करना। हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश हमारे साथ फोनलाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। सत्यप्रकाश, पिछले 3 दिनों से नृपेंद्र मिश्रा जिस तरीके से लगे हुए हैं बैठक पर बैठक, मीटिंग पर मीटिंग, क्या कुछ तस्वीर उभर रही है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से मंदिर निर्माण को लेकर लगातार बैठकें जाने का दौर चालू है और वही जो लगातार ट्रस्ट के सदस्यों का अयोध्या दौरा है, देखा जाए माना जा रहा है कि अब मंदिर निर्माण में जो ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा, जल्द से जल्द मंदिर निर्माण की कार्रवाई भी पूरी की जाएगी, जिसका कार्य शुरू होगा, इसको लेकर ये पूरा जो कवायद जो पूरा एक स्वरूप तैयार किया जा रहा है कि मंदिर निर्माण किस प्रकार से किया जाए, क्या सुरक्षा होगी और क्या क्या बंदोबस्त किए जाएंगे, इसको लेकर यह पूरा आज दौरा रहा है और लगातार बैठकों का दौर जारी है। अभी भी नृपेंद्र मिश्रा जो अभी सर्किट हाउस में विश्राम कर रहे हैं, कहीं माना जाए अभी सुनने में आ रहा है कि अभी थोड़ी देर बाद फिर एक ट्रस्ट के मेंबरों के साथ किसी बंद और गुप्त स्थान पर बैठक करेंगे, लेकिन ये पूरी तस्वीर जो आज दिखाई दिया है जो माना जा रहा है कि मंदिर निर्माण में अब किसी का ज्यादा दिन का इंतजार नहीं होगा, जल्द से जल्द मंदिर की कार्रवाई भी शुरू होगी। जी, ऐसी स्थिति में जबकि अब आगे की जो बैठकें होनी है, क्या ये माना जाए कि जो शिफ्टिंग का है श्री राम लला का को वहां से राम जन्मभूमि से शिफ्ट करके दूसरी जगह ले जाने का, उसकी कोई तारीख तय हो पा रही है या आगे का जो कार्य निर्माण कार्य है उसको लेकर के क्या रूपरेखा तैयार की जा रही है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से लोग अयोध्या दौरे पर हैं तो जो शिफ्टिंग की बात की जा रही है, जो जिस प्रकार से तैयारियां अंदर भी चल रही है, तो ये जरूर ये माना जा रहा है कि रामनवमी के पहले जो है यह पूरा बंदोबस्त पूरा इंतजाम कर लिया जाएगा और शिफ्ट रामनवमी के दिन जो है उन्हें वहां विराजमान कर दूसरे स्थान पर विराजमान शिफ्ट किया जाएगा, और वही मंदिर निर्माण की कार्रवाई की बात की जा रही है तो एक स्वरूप तैयार किया जा रहा है, उसके पहले सुरक्षा संबंधित और मंदिर निर्माण के लिए सामग्रियों को लाने संबंधित ये सब पूरा खाका तैयार किया जा रहा है, उसके बाद ही कोई निर्णय लेंगे कि कब अगली बैठक होगी और उस बैठक में किस प्रकार से मंदिर निर्माण की तारीख रखी जाएगी। जी, अब जाहिर तौर पर एक अलग किस्म का उत्साह होगा लखनऊ से लेकर के अयोध्या की नगरी में, वहां पर साधु संतों का क्या कुछ कहना है, खासतौर पर जो इस ट्रस्ट के सदस्य हैं? जी बिल्कुल, अयोध्या के संत जो है इससे काफी खुश हैं कि एक वर्षों से एक रहा है कि राम मंदिर को लेकर कि मंदिर निर्माण का अब बनने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अब जिस प्रकार से कार्रवाई दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जा रहा है तो यहाँ के संत भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं कि और मंदिर निर्माण में पूरा सहयोग की भी अपील कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।